दोस्तों 2016 में पुलिस की वैकेंसियां आई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनसे टेस्ट लिए गए, पहले फिजिकल टेस्ट हुआ। अब जिन लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास किया उनको अब रिटर्न टेस्ट देना था। रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया गया, डेट आई, सब लोग गए, रिटर्न टेस्ट दिया, पासिंग नंबर रखे 40। अब जो लोग होशियार थे उनके लिए तो ये कोई बड़ा मसला नहीं था 40 मार्क्स उठाना, उन लोगों ने यूँ 40 मार्क्स उठा लिए। अब जो लोग मेरी तरह गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे, तो वो रह गए बेचारे, अब वो घर जाके सो गए। जो 40 लोगों ने 40 मार्क्स उठाया वो तो पास हो गए, फिर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ बच गई उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ, एक नंबर से कोई बंदा रह गया, किसी ने 39 उठाई तो किसी ने 38 उठाई, किसी ने 36 उठाई, एक दो नंबर से बहुत ज़्यादा बंदे जो थे वो रह गए थे, वैकेंसियाँ जो थी वो बच गई थी, किसी के गुमान में ही नहीं था। उसके बाद किस्मत बदलती है उन लोगों की। उस दौर में आईजी जो था वो एडी ख्वाजा था, उसने ऐलान किया, बुलाओ उनको जो 40 मार्क्स से, जिन लोगों के कम मार्क्स हैं उनको बुलाओ। उनके पास मैसेज आया, कॉल आया कि वापस आओ भाई, आप पास हो, सिलेक्ट हो गए। उनके गुमान में ही नहीं था, वो तो हार कर बैठ गए थे, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उनको बुलाया गया एडी ख्वाजा के दौर में, 2016 की बात कर रहा हूं। उसके बाद उन लोगों को बुलाया गया, उनको अब नौकरियां मिल गई, बहुत ज्यादा गरीब लोग उसमें सिलेक्ट हो गए। 5 साल बाद फिर दौर वही आता है, दो बातें हैं मास्टरी में, 14 स्केल की, और फिर 33 में लोग पास किए जाते हैं। जिन लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की, ना रनिंग दिया, ना मेडिकल दिया, कुछ भी नहीं किया, जाके टेस्ट दे के आए, 33 वाले लड़के सिलेक्ट हो गए। आपको लग रहा है ये मजाक हो रहा है, ये मजाक नहीं हो रहा सर, 14 स्केल की नौकरी, 33 मार्क्स में पास। अब बात कर रहा हूं मैं 2016 की, जब उन्होंने टेस्ट लिए, वहां पे मैं आपको बताया चलूं कि दिल थाम के बैठिएगा, कोई नेगेटिव मार्क्स उस वक्त नहीं थे, फिर भी आईजी साहब ने, एडी ख्वाजा साहब ने 35 वालों को पास किया। 5 साल बाद आईबीएस सखर टेस्ट लेती है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, 14 स्केल की नौकरी को 33 वालों को पास किया जाता है। अब बात करते हैं पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, 40 वाले पास, वहां पे आप लोग क्या करते हो, नेगेटिव मार्क्स ऐड करते हो, बहुत ज्यादा लोग जो थे फेल हो गए, 40 मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स थे उन लोगों के, लेकिन फिर भी वो लोग फेल हो गए। कारण क्या था, रीजन यही था कि नेगेटिव मार्क्स थे। किन लोगों ने 50 मार्क्स उठाए नेगेटिव मार्क्स से, कट होके 35 मार्क्स बच गए उन लोगों के। अब वो क्या करें, उन लोगों ने तो 50 मार्क्स उठाए। सवाल ये उठता है कि अगर आप लोग 14 स्केल की नौकरी को 33 वाले पास करते हो तो ये तो पुलिस की नौकरी है, 5 स्केल की है, वहीं पे भी आप लोग मेहनत करवाते हो, फिजिकल टेस्ट लेते हो, मेडिकल लेते हो, उसमें आप चेक करते हो चेस्ट, हर चीज़ करते हो, रनिंग करते करवाते हो, 5 स्केल की नौकरी में भी आप नेगेटिव मार्क्स रखते हो, उसके बावजूद भी इतनी सारी सीट्स बची हैं, वैकेंसियां बची हैं, आप कर दो 35 वाले को पास कर दो। लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताते चलूँ कि उन लोगों ने जो अपनी शर्त रखी थी 40 मार्क्स, वो अभी भी कायम है, वो अभी भी उस बात से नहीं हटे। क्यों नहीं हटे, क्योंकि भैया आप लोग सोए हुए हो, आपको अपनी किस्मत नहीं जगानी, आप शायद इस सोच में हो कि 2016 में जैसे हुआ था, हो सकता है कि इस तरह कोई करिश्मा हो जाए, सोए सोए बस मैसेज आए कि आप लोग पास हो। दूसरी बात मैं आपको बताया चलूं कि कुछ मंथ पहले, कुछ टाइम पहले स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU पुलिस में जॉब्स आई थी, मैंने वीडियोस बनाई थी, आप लोगों को पता ही होगा अगर, तो मैं आपको बताया चलूं कि उसकी इंटरव्यू की डेट आ गई है, लेकिन उससे कई मंथ पहले ये प्रोसेस चलता आ रहा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, लेकिन उसका कोई पता नहीं। रिटर्न टेस्ट बहुत पहले हो चुका है लेकिन अभी तक इंटरव्यू की डेट नहीं आई। क्या कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों से?
क्या यह सवाल नहीं उठता कि 14 स्केल की नौकरी को आप 33 वालों को पास करते हो, तो 5 स्केल वाले नौकरी को 35 में आप पास क्यों नहीं करते? क्या यह सवाल नहीं उठता? आप लोग बस सोए हुए हो। आप लोग उठो, एक साथ बनो, आवाज उठाओ, सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ। सब कुछ हो सकता है सर, क्योंकि वैकेंसियां बहुत बची हुई हैं। अगर आप अपना मुस्तकबल सुधारना चाहते हैं तो आवाज़ उठाइए। ये अभी भी वक्त है, क्योंकि अभी भी इंटरव्यू डेट नहीं आई, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, तो अपना आवाज़ उठाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।